हे दोस्तों, मैंने अपनी लास्ट वीडियो पर आप लोगों को बताया था कि किस तरह से आप अपने जॉब वेबसाइट के लिए कीवर्ड फाइंड कर सकते हैं। और उसके साथ साथ दोस्तों, उस वीडियो पर मैंने आपको अपनी पर्सनल मेथड भी शेयर किया था कि किस तरह से आपको उस पर्टिकुलर कीवर्ड के ऊपर काम करना है और किस तरह से आपकी वेबसाइट पर ट्रैफिक जनरेट करना है। दोस्तों, इस वीडियो पर मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि एक्चुअली आपको उस कीवर्ड के ऊपर किस तरह से एक प्रॉपर आर्टिकल लिखना है, किस तरह से अपने आर्टिकल के ऊपर ऑन पेज एसईओ करना है और किस तरह से अपने आर्टिकल को गूगल पर रैंक करना है, वो भी फर्स्ट पेज पर। तो सबसे पहले आपको एक पर्टिकुलर कीवर्ड को फाइंड कर लेना है एंड उस पर्टिकुलर कीवर्ड के ऊपर आपको एक आर्टिकल लिखना है। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, यहाँ पे जो आप आर्टिकल लिखेंगे वो 100% यूनिक होना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप कहीं से भी थोड़ा ज़्यादा कॉपी करते हैं देन आप ऊपर में रैंक नहीं हो सकते। तो इसके लिए आपको 100% यूनिक आर्टिकल लिखना ही होगा। और यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, यहाँ पे आपका जो आर्टिकल होगा उसका लेंथ मिनिमम 1000 वर्ड का होना ही पड़ेगा एंड मैक्सिमम इससे ज़्यादा जितना होगा, मतलब जितना ज़्यादा लंबा आपका आर्टिकल होगा उतना ही अच्छा होगा आपको रैंकिंग होने में। तो इसके लिए आपको हमेशा ये ट्राई करना है कि सबसे ज़्यादा लॉन्ग एंड बेस्ट आर्टिकल आप लिख पाए उस पर्टिकुलर कीवर्ड के ऊपर। एंड यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, आपका जो पर्टिकुलर कीवर्ड है उस कीवर्ड को आप जाइए, जाके आप गूगल पे सर्च कर लीजिए, उसके बाद आप देखिए कि कौन कौन सी वेबसाइट उस पर्टिकुलर कीवर्ड के ऊपर रैंक पे हैं। तो आपको सबसे पहले एनालाइज करना पड़ेगा कि उन वेबसाइट ने इस पर्टिकुलर कीवर्ड के ऊपर कितना लेंथ, कितना लंबा आर्टिकल लिखा है। तो आपको हमेशा उनसे ज़्यादा लॉन्ग आर्टिकल लिखना है। अगर आप उनसे ज़्यादा लॉन्ग आर्टिकल लिखेंगे और उनसे ज़्यादा क्वालिटी मेंटेन करेंगे तो आप इजीली उनको बीट कर पाएंगे। तो एग्जांपल के लिए मैंने यहाँ पे एक पर्टिकुलर कीवर्ड को फाइंड कर लिया है एंड उसी कीवर्ड के ऊपर मैं एक आर्टिकल लिखूंगा एंड उसके साथ साथ मैं आपको ऑन पेज एसईओ करके भी दिखाऊंगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मेरा जो मेन कीवर्ड है वो है पोस्ट ऑफिस रिक्वायरमेंट और इस पर्टिकुलर कीवर्ड के ऊपर मैंने एक डेमो आर्टिकल भी लिख दिया है। तो सिंपली आ जाता हूँ मैं अभी अपने वर्डप्रेस के डैशबोर्ड पे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने किस तरह से इस आर्टिकल को यहाँ पे लिखा है। तो यहाँ पे मेरा जो मेन कीवर्ड है वो है पोस्ट ऑफिस रिक्वायरमेंट एंड अगर मैं यहाँ पे आपको वर्ड्स दिखा दूँ कि कितना लंबा है ये आर्टिकल, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि लगभग 1500 वर्ड्स का ये आर्टिकल है। तो इस तरह से आपको भी एक लॉन्ग आर्टिकल लिखना पड़ेगा एंड उसके साथ साथ आपको ये भी देखना पड़ेगा कि आपकी जो कॉम्पिटिटर वेबसाइट है उन्होंने कितना लंबा आर्टिकल लिखा है एंड उनके आर्टिकल को देख कर आपको भी क्वालिटी एंड लॉन्ग आर्टिकल लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पे मेरा जो मेन कीवर्ड है पोस्ट ऑफिस रिक्वायरमेंट, तो सिंपली मैं इसको कॉपी कर लूँगा एंड मैं सिंपली यहाँ पे गूगल पे इसको सर्च कर लूँगा। तो देख सकते हैं यहाँ पे बहुत सारे साइट हैं, तो सिंपली मैं सबसे पहला जो साइट है उसको मैं यहाँ पे ओपन कर लेता हूँ। तो एग्जांपल के लिए मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ कि किस तरह से इन्होंने आर्टिकल लिखा है। तो देख सकते हैं कि इन्होंने भी इस पर्टिकुलर कीवर्ड के ऊपर बहुत अच्छी तरह से आर्टिकल लिखा है। अगर मैं इसको नीचे स्क्रॉल करता हूँ तो देख सकते हैं बहुत ही लॉन्ग आर्टिकल है। तो अगर मैं इस पर्टिकुलर कीवर्ड के ऊपर मैं भी काम करता हूँ, अगर मुझे रैंक करना है तो मुझे भी इसी तरह से लॉन्ग आर्टिकल लिखना पड़ेगा एंड बहुत ही अच्छी तरह से इस कीवर्ड को बार बार रिपीट करना पड़ेगा ताकि इस पर्टिकुलर कीवर्ड पे मैं इजीली रैंक हो पाऊँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने अपने आर्टिकल के अंदर एक पर्टिकुलर टेबल भी बना दिया है जहाँ पर मैं जो लेटेस्ट जॉब आएगा पोस्ट ऑफिस रिक्वायरमेंट के ऊपर उसको यहाँ पे मैं अपडेट करते जाऊँगा। अगर मैं नीचे स्क्रॉल करता हूँ तो यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे मैंने और एक टेबल भी क्रिएट कर दिया है। बहुत सारे लोगों ने मुझे ये भी पूछा था कि किस तरह से आप वर्डप्रेस की पोस्ट पे टेबल को क्रिएट करना है, किस तरह से जॉब आर्टिकल के अंदर टेबल को क्रिएट करना है विदाउट प्लगइन, वो सिखाऊं। तो यहाँ पे मैं आपको वो भी सिखा दूंगा कि किस तरह से आपको टेबल बनाना है। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, यहाँ पे जो मैंने टेबल क्रिएट किया है वो टोटली कोड के ऊपर बना हुआ है। तो इसके लिए मैंने कुछ कोड्स का यूज़ किया है, सिंपल कोड्स है। तो ये कोड्स मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, आप इसको सिंपली डाउनलोड कर सकते हैं, आपको डाउनलोड लिंक नीचे मिल जाएगा। तो देख सकते हैं कि यहाँ पर मैंने एक न्यू टैब ओपन कर लिया है और यहाँ पे मैं एक डेमो पोस्ट लिखूंगा जहाँ पे मैं आपको सिखाऊंगा कि किस तरह से आपको अपनी टेबल को यूज़ करना है एंड किस तरह से इसको मैनेज करना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यही है वो कोड जिसका यूज़ करके मैंने टेबल बनाया है। तो यहाँ पे दो कोड है, एक है 3 कॉलम वाले टेबल का एंड दूसरा है 2 कॉलम वाले टेबल का। यहाँ पे मैं आपको ये भी बताऊंगा कि किस तरह से आपको रो को इंक्रीज करना है एंड किस तरह से आपको कॉलम को भी मेंटेन करना है। तो सिंपली मैंने यहाँ पे कॉपी कर लिया है इस टोटल कोड को। उसके बाद आपको सिंपली जाना है अपनी वेबसाइट की आर्टिकल के अंदर और यहाँ पे आपको टेक्स्ट पे जाना है एंड यहाँ पे इस कोड को पेस्ट कर देना है। तो अगर मैं यहाँ पे विजुअल पे क्लिक करता हूँ तो देख सकते हैं कि यहाँ पे बहुत ही एक ब्यूटीफुल टेबल यहाँ पे शो हो गया है। तो सिंपली अभी मैं इसको पब्लिश कर दूंगा एंड पब्लिश करके आपको मैं दिखा देता हूँ कि किस तरह से इसका लुक्स है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इस आर्टिकल का लुक्स कुछ इस तरह का है। तो किस तरह से यहाँ पे आपको चेंजेस करना है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि
मैंने यहाँ पे टाइप कर लिया है बैंक जॉब्स 2019, और मैं नीचे और भी कुछ चेंजेस कर लेता हूँ जैसे कि बैंक जॉब्स, एंड थोड़े ज़्यादा चेंजेस करने के बाद मैं सिंपली इसको यहाँ पे अपडेट कर देता हूँ। तो अभी अगर मैं आप जाता हूँ अपनी वेबसाइट पे और इसको रिफ्रेश करता हूँ, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे सब कुछ चेंज हो गया है। तो इसी तरह से आपको अपनी टेबल के अंदर चेंजेस करना है। यहाँ पे जो आपको तीन कॉलम मिल रहे हैं, आप तीनों जगह पे चेंजेस कर सकते हैं। तो अभी मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ कि इस तरह से आपको रो को क्रिएट करना है। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे सिर्फ तीन ही रो हैं, तो मैं अभी यहाँ पे कुछ रो इंक्रीज कर दूंगा, और किस तरह से करना है मैं आपको बता देता हूँ। तो इसके लिए आपको आ जाना है टेक्स्ट पर। टेक्स्ट पर आ जाने के बाद आप आ जाइए नीचे, एकदम नीचे टेबल का। नीचे आने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे TR स्टार्ट होता है और TR यहाँ पे एंड होता है। तो आपको क्या करना है, आपको TR स्टार्ट से लेकर एंड तक जो भी होता है सब कुछ आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। आप इस जगह को अच्छे से देख लीजिए कि मैंने कौन सी कोड को यहाँ पे सिलेक्ट किया है। तो सिंपली आपको इसको सिलेक्ट कर लेना है, उसके बाद आप यहाँ पे कॉपी कर लीजिए। उसके बाद आपको यहाँ पे एंटर पे क्लिक कर देना है, एंड आपने जो भी कोड कॉपी किया था यहाँ पे पेस्ट कर दीजिए। तो यहाँ पे मैं दो तीन बार पेस्ट कर लेता हूँ। अभी अगर मैं विजुअल पे आता हूँ, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने इस कोड को तीन बार पेस्ट किया था, तो यहाँ पे मेरा तीन न्यू रो क्रिएट हो चुका है। तो इस तरह से सिंपली आप रो क्रिएट कर सकते हैं। एंड जब भी आप अपनी वेबसाइट पे इस पर्टिकुलर कीवर्ड के ऊपर जॉब्स की आर्टिकल पब्लिश करते हैं, आपको आना है अपनी मेन आर्टिकल के अंदर, मतलब इस वाले आर्टिकल के अंदर। आने के बाद आपको यहाँ पे एक न्यू रो क्रिएट करना है, और यहाँ पे आपको देना है अपनी जॉब्स का टाइटल, उसके बाद देना है आपको वैकेंसी मतलब कितना पोस्ट है, एंड उसके बाद आपको यहाँ पे जो भी है क्लिक हियर टू नो मोर इन्फॉर्मेशन, तो यहाँ पे आपको ये टाइप कर देना है। तो अभी मैं आपको सिखा देता हूँ कि किस तरह से आपको अपनी आर्टिकल के अंदर ऑन पेज SEO करना है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे कॉपी कर लूँगा, मेरी जो मेन कीवर्ड है इसको मैं यहाँ पे कॉपी कर लूँगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरा जो हेडिंग है वो बहुत ही शॉर्ट है। तो किस तरह से हेडिंग को इंक्रीज करता है मैं आपको आइडिया दे देता हूँ। तो हेडिंग को इंक्रीज करने के लिए मैं यहाँ पे सिंपली लिख देता हूँ टोटल पोस्ट 52,000। तो इस तरह से आप कुछ भी लिख सकते हैं, कुछ अट्रैक्टिव कर सकते हैं लिख के। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि परमालिंक, तो आपको मैं बता देता हूँ आपको हमेशा अपनी कीवर्ड को परमालिंक के अंदर पेस्ट करना चाहिए, मतलब आपका जो वह आर्टिकल का यूआरएल होगा वो एग्जैक्टली आपका कीवर्ड के साथ मिलना चाहिए। तो मेरा मेन कीवर्ड है पोस्ट ऑफिस रिक्वायरमेंट, तो सिंपली मैं यहाँ पे जो भी है यूआरएल पे मैं सब कुछ रिमूव कर दूंगा, एंड यहाँ पे मैं पेस्ट कर दूंगा पोस्ट ऑफिस रिक्वायरमेंट। उसके बाद आपको यहाँ पे हेडिंग देना पड़ेगा, एक परफेक्ट हेडिंग। तो हेडिंग देने के लिए यहाँ पे देख सकते हैं मैंने यहाँ पे हेडिंग पेस्ट कर दिया है, एंड यहाँ पे मैंने जो हेडिंग्स लिखा है वो है हेडिंग वन। तो आपको हमेशा सबसे पहला जो हेडिंग होगा उसको हेडिंग वन ही देना है, एंड उसके बाद जो आपका नेक्स्ट हेडिंग आएगा वो आपका होगा हेडिंग टू। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने जो अपना नेक्स्ट हेडिंग है उसको हेडिंग टू दे दिया है। तो इस तरह से आपको भी हेडिंग को सेटअप करना है, एंड इसी तरह से आपको आपका जो थर्ड हेडिंग होगा उसको हेडिंग थ्री देना है, एंड उसके बाद जो फोर्थ हेडिंग होगा उसको आपको फोर्थ हेडिंग देना है। एंड आपको हमेशा अपने हेडिंग के अंदर अपने कीवर्ड को रिपीट करना है। आप चाहे तो अपनी टेबल के अंदर भी अपने कीवर्ड को रिपीट कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे मैंने हेडिंग के ऊपर किया है रिसेंट पोस्ट का जो नेम है, मैंने यहाँ पे पोस्ट ऑफिस रिक्वायरमेंट दे दिया है। तो आप इस तरह से दे सकते हैं, एंड उसके बाद आप नीचे आइए, आने के बाद और भी कुछ हेडिंग दे दीजिए, क्योंकि आपकी आर्टिकल बहुत ही ज़्यादा लंबा है, तो आपको कम से कम 5-6-7 हेडिंग तो देना ही पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं सिंपली लिख देता हूँ कुछ अट्रैक्टिव बना के, जैसे कि अपकमिंग पोस्ट ऑफिस रिक्वायरमेंट 2019-20। तो इस तरह से आपको अट्रैक्टिव हेडिंग देना है ताकि लोग आपके आर्टिकल को आके थोड़ा ज़्यादा पढ़ें। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पर मेरा और एक टेबल है, तो आप चाहे तो आप एक आर्टिकल के अंदर दो तीन टेबल का भी यूज़ कर सकते हैं। तो किस तरह से टेबल का यूज़ करना है मैं आपको बता देता हूँ। हमारा जो सबसे पहला टेबल था उसमें हम लोग बस लेटेस्ट जो आर्टिकल है उसी को अपडेट करेंगे, और नेक्स्ट जो हमारा यहाँ पे टेबल है इस पे हम लोग हमेशा अपकमिंग जो जॉब आने वाला है एक्सपेक्टेड है उसका ही यहाँ पे अपडेट करेंगे। अपकमिंग पोस्ट ऑफिस रिक्वायरमेंट का लिस्ट यहाँ पे लिख देता हूँ, और यहाँ पे आप ध्यान से देख लीजिए कि यहाँ पर भी मैंने अपनी कीवर्ड को रिपीट किया है। तो आपको हमेशा अपनी कीवर्ड को रिपीट करना है, और आपको हमेशा ये मेंटेन रखना है कि आपका जो डेंसिटी हो वो 1% मिनिमम हो, मतलब आपके अगर 100 वर्ड्स का आप एक आर्टिकल लेते हैं तो मिनिमम एक बार अपनी कीवर्ड को आप रिपीट करेंगे। तो इस तरह से आपको अपने आर्टिकल के अंदर कीवर्ड डेंसिटी को मेंटेन करके रखना है। उसके बाद यहाँ पे मैं आ जाता हूँ अपने आर्टिकल के सबसे नीचे, और यहाँ पे दोस्तों मैं ऑन पेज SEO करने के लिए जो प्लगइन यूज़ कर रहा हूँ वो है योस्ट SEO। तो अगर आप भी अपने आर्टिकल के अंदर ऑन पेज SEO करना चाहते हैं तो आप भी इस योस्ट SEO का यूज़ कर सकते हैं। और योस्ट SEO का जो फोकस कीवर्ड है, यहाँ पे मैं अपनी जो मेन कीवर्ड है वो यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ।
तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मेरा जो SEO है वो यहाँ पे ग्रीन हो गया है। तो अगर आप भी अपने आर्टिकल को अच्छे से लिखते हैं, अच्छे से यहाँ पे हेडिंग वगैरह देते हैं एंड अच्छे से अपनी कीवर्ड डेंसिटी को मेंटेन रखते हैं, देन आपका भी SEO ग्रीन हो जाएगा। यहाँ पर दोस्तों आपको अपने आर्टिकल के अंदर एक इमेज लगाना बहुत ही ज़रूरी है। अगर आपको अपने आर्टिकल को फुल्ली SEO ऑप्टिमाइज़ करना है तो आपको इमेज लगाना ही होगा। और यहाँ पर अगर आप चाहें तो अपने यूट्यूब का वीडियो भी यहाँ पर एम्बेड कर सकते हैं। आप जितना ज़्यादा इमेज एंड वीडियो यहाँ पे एम्बेड करेंगे उतना ही ज़्यादा आपके आर्टिकल SEO फ्रेंडली बनेगा। यहाँ पर दोस्तों मैंने ऑलरेडी एक इमेज बना कर रख दिया है, तो यहाँ पे मैं सिंपली इसको अपलोड कर दूँगा। तो सिंपली यहाँ पे देख सकते हैं मैंने यहाँ पे इमेज को अपलोड कर दिया है। यहाँ पर दोस्तों मैं आपको बता दूँ, यहाँ पर जो भी आप इमेज यहाँ पर अपलोड करेंगे उस इमेज का जो टाइटल होगा वो आपकी मेन कीवर्ड होना चाहिए, ताकि आपकी जो ये इमेज है वो भी गूगल में रैंक हो जाए और इसके थ्रू भी थोड़ा ज़्यादा ट्राफिक आपकी वेबसाइट पर आए। यहाँ पर इस इमेज का जो टाइटल है वो मैं अपने कीवर्ड को यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, और उसके बाद यहाँ पे जो ऑल टेक्स्ट है एंड यहाँ पे जो डिस्क्रिप्शन है वहाँ पर भी मैं अपनी मेन कीवर्ड जो है इसको यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। उसके बाद यहाँ पर जो इमेज है इसको मैं थोड़ा रिसर्च कर लेता हूँ। तो इस तरह से आपको भी अपने आर्टिकल के अंदर इमेजेस को डाल के अच्छे से रिसर्च कर लेना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर मैंने आपको बता दिया कि किस तरह से आपको अपने आर्टिकल के अंदर हेडिंग देना है, किस तरह से कीवर्ड डेंसिटी को मेंटेन रखना है, किस तरह से आपको इमेज को डालना है। अभी मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से आपको अपने आर्टिकल के अंदर इंटरनल एंड एक्सटर्नल लिंक को सेटअप करना है। तो इसके लिए दोस्तों मैं सिंपली अपनी वेबसाइट को यहाँ पे विजिट कर लेता हूँ, और थोड़ी देर पहले मैंने जो आर्टिकल यहाँ पे अपडेट किया था डेमो की टाइटल से वो मैं यहाँ पर ओपन कर लेता हूँ। आर्टिकल के अंदर आने के बाद यहाँ पर आपको आपकी वेबसाइट पर पब्लिश हुआ लास्ट 2-3 आर्टिकल का टाइटल यहाँ पर डालना है। तो एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर मैं लिख देता हूँ डेमो जॉब्स 2019 और यहाँ पर XYZ 2018, तो इस तरह से मैं कुछ भी यहाँ पर डाल देता हूँ। तो इस तरह से आपको भी अपने आर्टिकल के अंदर मिनिमम 3 आर्टिकल का टाइटल यहाँ पे देना है। टाइटल देने के बाद दोस्तों यहाँ पे आपको इंटरनल लिंकिंग करना पड़ेगा। तो सिंपली मेरा जो डेमो आर्टिकल का जो लिंक है उसको मैं सिंपली यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ, और यहाँ पे जो डेमो जॉब्स का टाइटल है यहाँ पर मैं उस लिंक को यहाँ पर इंसर्ट कर देता हूँ। तो इस तरह से दोस्तों इस आर्टिकल के अंदर मेरा एक इंटरनल लिंक बन गया। तो इस तरह से आपको मिनिमम 3 इंटरनल लिंक देना है हर एक आर्टिकल के अंदर। अगर आपके आर्टिकल बहुत ज़्यादा लंबा है, बहुत ज़्यादा वर्ड्स का है, देन आप यहाँ पे इंटरनल लिंक ज़्यादा भी कर सकते हैं। आप अपने आर्टिकल के अंदर जितना ज़्यादा इंटरनल लिंक देंगे उतना ही जल्दी आपका आर्टिकल गूगल में रैंक होगा। उसके साथ साथ दोस्तों अभी आपको देना है एक्सटर्नल लिंक। तो एक्सटर्नल लिंक कैसे करना है मैं आपको बता देता हूँ। तो मेरा जो आर्टिकल है वो पोस्ट ऑफिस के रिलेटेड है, तो मैं सिंपली गूगल में सर्च कर लेता हूँ पोस्ट ऑफिस। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर बहुत सारे वेबसाइट आ गए हैं, तो यहाँ पर जो ऑफिशियल वेबसाइट है मैं उसकी लिंक को यहाँ पर कॉपी कर लेता हूँ। और आपको आना है अपने आर्टिकल के अंदर, एंड आर्टिकल के अंदर आके यहाँ पे जहाँ भी पोस्ट ऑफिस का कीवर्ड है यहाँ पर मैं इस लिंक को यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा। मतलब इस तरह से आपका जो लिंक बनेगा वो बनेगा आउटबाउंड लिंक। तो इस तरह से आपको भी मिनिमम 3 आउटबाउंड लिंक देना है। आप अपने आर्टिकल के अंदर जितना ज़्यादा आउटबाउंड लिंक एंड जितना ज़्यादा इंटरनल लिंक सेटअप करेंगे उतना ही ज़्यादा आपकी आर्टिकल SEO ऑप्टिमाइज बनेगा। अभी आपको अपने आर्टिकल के अंदर सेटअप करना है टैग्स का। दोस्तों यहाँ पर टैग्स का बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, क्योंकि अगर आपके आर्टिकल के अंदर आपने टैग्स नहीं डाला तो आपका बहुत ज़्यादा लॉस हो जाएगा। अगर आपकी आर्टिकल के अंदर अच्छे अच्छे टैग्स हैं तो आप बहुत ही इजीली रैंक कर सकते हैं, क्योंकि आपका जो मेन कीवर्ड है पोस्ट ऑफिस रिक्वायरमेंट, इस पर आपको रैंक होने में थोड़ा टाइम लगेगा क्योंकि इस पर थोड़ा ज़्यादा डिफिकल्ट है। लेकिन अगर टैग की बात करूँ तो टैग में डिफ़िकल्ट कम होता है, तो वहाँ पर सबसे पहले आर्टिकल रैंक होता है टैग पर। टैग पर रैंक होने के बाद ही आपका मेन कीवर्ड के ऊपर आपकी वेबसाइट रैंक होगा। तो अभी मैं आपको बता देता हूँ कि किस तरह से आपको अपने आर्टिकल के लिए टैग्स को फाइंड करना है। तो उसके लिए सिंपली आपको अपने मेन कीवर्ड को कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद आपको जाना है गूगल पे। जाने के बाद यहाँ पर आप सर्च कर लीजिए इस कीवर्ड को। सर्च करने के बाद दोस्तों देख सकते हैं कि मेरी जो ब्राउज़र है उसके राइट साइड में बहुत सारे सजेस्टेड कीवर्ड आ गया है। तो इसके लिए दोस्तों आपको यूज़ करना पड़ेगा एक एक्सटेंशन की। तो मैंने यहाँ पर जो एक्सटेंशन यूज़ किया है वो है कीवर्ड एवरीवेयर। तो ये एक फ्री एक्सटेंशन है, तो आप भी इसका यूज़ कर सकते हैं। तो इसकी मदद से मैंने यहाँ पे बहुत सारी टैग्स यहाँ पे फाइंड कर लिया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि टैग्स के साथ साथ यहाँ पे आपको ट्रैफिक भी मिल जाएगा। तो उस हिसाब से मैं अपनी जो बेस्ट टैग है उसको यहाँ पर कॉपी कर लूँगा। कॉपी करने के बाद मैं आऊँगा मेरी वर्डप्रेस के डैशबोर्ड पर और यहाँ पर मैं इसको पेस्ट कर दूँगा। तो इस तरह से आपको अपनी हर एक आर्टिकल में मिनिमम 6-7 टैग देना ही पड़ेगा। आप अपने आर्टिकल के अंदर जितना अच्छा टैग यहाँ पर डालेंगे उसी हिसाब से आपकी वेबसाइट पर ट्रैफिक आएगा। इसीलिए आपको हमेशा बेस्ट टैग ही फाइन करना है। तो इसलिए आप इस एक्सटेंशन का यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद आपको आ जाना है सबसे नीचे। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि गूगल भी आपको बहुत सारे कीवर्ड यहाँ पे सजेस्ट करता है।
तो यहाँ से भी आप फाइंड कर सकते हैं अपनी आर्टिकल के लिए बेस्ट टैग्स, और यहाँ पर भी आपको ट्रैफिक वगैरह सब कुछ मिल जाता है कि कितना ट्रैफिक आता है इस पर्टिकुलर कीवर्ड पे। तो इस तरीके से आपको अपने आर्टिकल के अंदर टैग्स वगैरह डालना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं कि सब कुछ यहाँ पे सेटअप हो गया है। तो अभी मैं सिंपली यहाँ पे एक फीचर इमेज लगा दूंगा और इसको सिंपली पब्लिश कर दूंगा। तो दोस्तों अभी यहाँ पे देख सकते हैं कि सक्सेसफुली मैंने यहाँ पे एक आर्टिकल को एसईओ ऑप्टिमाइज करके यहाँ पे डाल दिया है। यहाँ पर दोस्तों मैंने आपको लाइव सब कुछ दिखा दिया है कि किस तरह से आपको अपने आर्टिकल के अंदर ऑन पेज एसईओ करना है, किस तरह से सब कुछ मेंटेन करना है। तो आप अपने खुद के आर्टिकल के अंदर भी इन सभी स्टेप्स को फॉलो ज़रूर करिए, इससे आपका रैंकिंग बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हो जाएगा। अभी दोस्तों आपने अपने आर्टिकल को एसईओ ऑप्टिमाइज करके सक्सेसफुली पब्लिश कर दिया है। अभी जो नेक्स्ट स्टेप आता है दोस्तों, वो किस तरह से आपको इस आर्टिकल को रैंक करना है। दोस्तों यहाँ पर रैंक करने के लिए टोटल यहाँ पे 10 स्टेप की ज़रूरत होता है। तो यहाँ पर मैंने बस आपको 3 ही स्टेप बताया है कि किस तरह से आपको आर्टिकल को लिखना है, एसईओ करना है एंड यहाँ पे पब्लिश करना है। बाकी और भी 7 स्टेप्स हैं जिनको मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा। अगर मैं बाकी 7 स्टेप्स यहीं पर बताऊँ तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगा एंड उसके साथ साथ आपको समझ में भी नहीं आएगा। क्योंकि दोस्तों अगर आप ऑन पेज एसईओ एंड ऑफ पेज एसईओ दोनों एक साथ पढ़ेंगे, एक साथ सीखेंगे, तो आपको बहुत सारे कन्फ्यूजन आ जाएगा। तो इसलिए आपको सबसे पहले ऑन पेज एसईओ सीखना है, उसके बाद आपको ऑफ पेज एसईओ सीखना है। दोस्तों इस वीडियो का जो नेक्स्ट पार्ट है मैं बहुत ही जल्दी यहाँ पे अपलोड कर दूंगा, जहाँ पर मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से आपको आर्टिकल पब्लिश करने के बाद अपनी आर्टिकल को गूगल पे रैंक करना है और रैंक करने के लिए आपको क्या क्या करना ज़रूरी है। तो सब कुछ मैं डिटेल में बताऊंगा आपको नेक्स्ट वीडियो पे। और दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर आपको अभी भी कोई भी कन्फ्यूजन है एसईओ के रिलेटेड, देन आप वीडियो के नीचे कमेंट भी कीजिए, मैं आपका हेल्प ज़रूर करूँगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए, और इस तरह की और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए।